ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। ड्यूटीज में फर्स्ट था टू डिस्क्लोज नॉन मटेरियल फैक्ट्स। तो ड्यूटीज किसकी बात हो रही थी यहाँ पे? बेलर की। फर्स्ट पार्टी ड्यूटीज की बात हो रही है, ड्यूटीज ऑफ बेलर की। पहला है टू डिस्क्लोज नॉन मटेरियल फैक्ट्स था। सेकेंड टू रिपे नेसेसरी एक्सपेंसेस। थर्ड था टू इंडेमनिफाई बेली फॉर एक्सेस लॉसेस, है ना। फोर्थ है टू पे बैक द लॉस ड्यू टू लैक ऑफ टाइटल टू गुड्स बेल। ये जो लिखा है टू पे बैक द लॉस ड्यू टू लैक ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स मतलब जो बेलर है ना, अगर वो अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी कोई गुड्स दे रहा है, सपोज एक्स ने एक मोटरसाइकिल मिली उसको, उसने किसको दे दिया? वाई को दे दिया कि भाई तू संभाल के रखना, ठीक। जेड जो एक्चुअल ओनर है उसका, उसने केस कर दिया वाई के ऊपर कि मेरा सामान तुम्हारे पास कैसे आया। सपोज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हाँ अपन ये, तो वाई को कुछ तो लॉसेस बियर करने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ क्या थी? जेड की थी। किसके यहाँ रखी थी? वाई के यहाँ रखी थी, ठीक है। और एक्स ने जब वाई को ये सब सामान दिया तो उसको बताना चाहिए था कि मेरा नहीं है, किसी और का है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है? तो ऐसे सिचुएशन में वाई को कुछ लॉस बियर करना पड़ा होगा जेड की वजह से, सॉरी जेड को देना पड़ा होगा किसकी वजह से? एक्स की। तो इसलिए लिखा है टू पे बैक द लॉस। तो पे बैक करेगा लॉस कौन? एक्स, ड्यू टू लैक ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, क्योंकि उसने जो गुड्स दिए वो तो उसके थे ही नहीं। तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बेल्ड। आया समझ में? फिर देखो टू बियर नॉर्मल रिस्क, ये ड्यूटी है बेलर का कि अगर कुछ गुड्स को कुछ लॉस होता है तो वो उसको बियर करेगा। कुछ भी क्या बोलते हैं, डेलिकेट चीज़ें होती हैं है ना, जिसका खराब होने का डर जल्दी रहता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सिक्स्थ, टू रिसीव बैक द गुड्स बेल्ड। टू रिसीव बैक द गुड्स बेल्ड, जो गुड्स उसने बेलमेंट पे रखे हैं तो उसकी वो ड्यूटी है कि वो उसको वापस ले। टू रिसीव बैक द गुड्स बेल्ड। किसी को डाउट है यहाँ तक? ओ मैम, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। ये तो ड्यूटीज ऑफ बेलर हो गई, अब राइट्स ऑफ बेलर देखो। फर्स्ट पॉइंट है राइट टू क्लेम डैमेजेस। राइट टू क्लेम डैमेजेस में क्या आएगा कि अगर उसने जो गुड्स दिए हैं बेलमेंट पे, अगर सामने वाले की नेग्लिजेंस की वजह से इसके गुड्स में कोई डैमेजेस आते हैं, सामने वाले की नेग्लिजेंस किसकी? ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ, किसका नेग्लिजेंस होगा बताओ? बोलो, बेलर का कि बेली का? बेली हाँ, अगर बेली की किसी लापरवाही की वजह से उसको कुछ डैमेज होता है तो राइट टू क्लेम डैमेज का इसके पास एक राइट रहेगा कि वो उनसे वसूल कर सके। दूसरा, राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ऑलवेज जो टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट का राइट होगा ये भी बेलर के पास होगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को स्टिचिंग वगैरह का, आपका मन नहीं है तो आप नहीं करवाएंगे स्टिचिंग, आपका मन नहीं है तो आप घर पे फर्नीचर नहीं बनवाइए कारपेंटर से, आपका मन नहीं है तो आप कार वापस लेके आ जाइए अपने फ्रेंड से। तो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अगर बेली कुछ ऐसा काम करता है जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो बेलमेंट की उन लोगों ने डिसाइड की होगी, और बेली अगर उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है तो ये ऑप्शन मिलता है बेलर को। किसको मिलता है? बेलर को।
और उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, याद रखना। नेक्स्ट देखो, इसके पास राइट है, राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन। बताओ कॉम्पनसेशन कैसे क्लेम करेगा? देखो इसमें कैसे कर सकता है वो, कॉम्पनसेट कैसे लेगा। इफ एनी डैमेज हैज डन टू द गुड्स, अगर गुड्स को कोई डैमेज हो गया है, क्यों? अनऑथराइज यूज्ड बाय द बेली। नेक्स्ट देखो इसमें, अगर कुछ लॉस या एक्सपेंस हो रहा है, इफ सम लॉस और एक्सपेंडिचर, इफ सम लॉस और एक्सपेंडिचर विथ रिगार्ड टू गुड्स बेल्ड, अगर कोई लॉस वगैरह होता है तो, या कोई एक्सपेंडिचर, ये क्यों होगा? लॉस और एक्सपेंडिचर क्यों होगा? ड्यू टू अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ द गुड्स ऑफ बेलर विथ हिज बेली। इस पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछो। बताओ कोई डाउट है इसमें? नो मैम, नो मैम। क्लियर है ना? नेक्स्ट सेकंड, राइट टू डिमांड बैक एट एनी टाइम द गुड्स लेंट। विदाउट चार्जेस, अगर विदाउट चार्जेस मतलब अगर ग्रेटियस वाला है, ग्रेटियस वाला मतलब जो अपन फ्रेंड्स को देते हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो ऐसी सिचुएशन में वो गुड्स कभी भी वापस मांग सकता है। राइट टू डिमांड बैक एट एनी टाइम द गुड्स लैंड विदाउट चार्जेस। फिफ्थ पॉइंट देखो, बेलर इंटाइटल्ड टू एनी इंक्रीज और प्रॉफिट अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। जो सामान उसने दिया, अगर उस सामान से उसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? बेलर को। सपोज अगर किसी ने किसी को अपनी टैक्सी दे दी चलाने के लिए, किसी काम के लिए दी होगी, उसने उसको चला ली, उसको उससे किराया मिल गया, तो वो पूरा का पूरा किसको जाएगा? बेलर को जाएगा, ना कि बेली को। क्योंकि गुड्स जिसका है तो उसके यूज करने के राइट्स भी उसी के ही हैं।
तो अगर उससे कोई प्रॉफिट अर्न होता है तो वो भी उसी का ही होगा। सिक्स्थ पॉइंट देखो, राइट टू फाइल अ सूट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या होगा बताओ, इन्फोर्समेंट ड्यूटीज क्या होगा? बताओ क्या होगा इसमें? राइट टू फाइल अ सूट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ वैली। देखो जब हम किसी को कुछ सामान देते हैं तो उसके कुछ राइट्स और ड्यूटीज बनते हैं उस सामान को संभाल के रखने के लिए और अच्छे से यूज करने के लिए। अगर बेली ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो बेलर चाहे तो उसके ऊपर केस कर सकता है, राइट टू फाइल अ सूट, अगर उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया हो तो। ये चीज समझ में आ रही है, राइट टू फाइल अ सूट। मैम फिफ्थ पॉइंट एक बार और समझाइएगा ना। देखो बेलर एंटाइटल टू एनी इंक्रीज और प्रॉफिट अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। प्रॉफिट वाला बोल रहे हो? यस मैम। देखो सपोज अगर आपके पास एक गाय है, आपने अपने फ्रेंड को दे दी रखने के लिए और आप घूमने जा रहे हो कहीं, आप 15 डेज बैक में आ रहे हो वापस और आपकी गाय प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा हो गया, तो जो गाय का बच्चा वो किसका होगा? आपका कि जिसको आपने रखने दिया था उसका होगा? हम लोग का होगा मैम। किसका होगा? मेरा होगा। हाँ सेम वही। तो प्रॉफिट, तो कुछ भी ऐसी चीज जब हम बेली के पास रखने जा रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो बेलर का ही होगा। तो राइट, देखो क्या लिखा है, बेलर एंटाइटल्ड होगा कुछ अगर चीज में बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है या उससे जो कोई प्रॉफिट अर्न होता है। तो वैसे ही मैंने टैक्सी का एक एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास टैक्सी है, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया है पर्सनल यूज के लिए और अगर उसने उसको चला लिया और उसमें से उसको कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ तो उससे जितना भी उसको प्रॉफिट अर्न हुआ है तो वो पूरा का पूरा बेलर को मिलेगा। अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. एक सेकेंड ना। सिक्स पॉइंट में क्या लिखा है? राइट टू फाइल अ सूट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ बेलर। अगर बेलर कोई चीज किसी को दे रहा है, सपोज आपने किसी को लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग के लिए कुछ सामान दिया तो उसने आपका वो सामान या तो आयरनिंग के टाइम पे जला दिया या गुम कर दिया, तो अब आप क्या करोगे बताइए? ये तो सिंपल नॉर्मल एग्जांपल था, आप पैसे लेंगे ना उसे डैमेजेस क्लेम करेंगे कि आपने हमारी ड्रेस खराब कर दी करके, आप जो भी। सेम जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें हाई अमाउंट इन्वॉल्व होगा और हमने जब किसी को सामने वाले को कुछ काम दिया है करने के लिए और अगर वो नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको अमाउंट भी पे किया, हमें कॉन्ट्रैक्ट में आया और ना ही उसने अपनी ड्यूटीज कम्प्लीट की अच्छे से, ना ही लाइबिलिटीज। तो इसलिए हम उससे क्या कर सकते हैं? राइट टू फाइल अ सूट, तो उसके ऊपर एक केस कर सकते हैं। आया समझ में? यस मैम। प्रशांत बताओ क्लियर हुआ? यस मैम आ गया। ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा। अब बेली का करते हैं, ड्यूटीज ऑफ बेली। ड्यूटीज ऑफ बेली में फर्स्ट पॉइंट आएगा, देखो
मतलब जिम्मेदारियां क्या क्या है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारे पास गुड्स रखे हैं, चाहे तुम ग्रेटियस हो चाहे नॉन ग्रेटियस हो, चाहे तुम पैसे पे कर रहे हो या तुम पैसे नहीं पे कर रहे हो, तुम्हें दूसरों के गुड्स का ध्यान रखना है, टू टेक रीजनेबल केयर. नेक्स्ट है इसमें नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज्ड ऑफ द गुड्स बेल्ड. देखा आपने इसमें नॉट टू मेक अनऑथराइज में क्या होगा कि जो बेली है वो गुड्स को कैसे यूज करे, जो बेलमैन के जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग. अनऑथराइज में क्या हो जाएगा, बहुत एक्सेसिव यूज कर देना किसी चीज का, तो जिसका उसको परमिशन नहीं है ऐसा कुछ यूज वो नहीं करेगा. नेक्स्ट देखो इसमें not to mix baler goods with his own goods. not to mix baler goods with his own goods. ये ड्यूटी है बेली की कि वो अपने गुड्स उसके गुड्स के साथ मिक्स नहीं करे, उसके गुड्स को वो एक अलग सेपरेट एंटिटी लेके चले. क्लियर है उसमें आपको? और अगर ऐसा वो करता है तो उसके दो या तीन कंडीशन हो सकते हैं. सपोज अगर वो बेलर के कंसेंट से कर रहा है, ठीक है, अगर वो बेलर के कंसेंट से अपने गुड्स को मिक्स कर रहा है तो उसका जो भी प्रॉफिट राइज होगा वो लोग आपस में शेयर करेंगे. सपोज एक कपड़े की शॉप है, तो एक इंसान की शॉप है, उसमें कोई भी एक्स पर्सन समझो वाई आया उसके पास अपने गुड्स लेके कपड़े और बोलता है कि तुम मेरी अपनी शॉप में मेरे गुड्स को सेल करो, तो बेलर अगर यस बोलता है तो क्या करेगा उसमें, ये लोग अपना जो भी सामान होगा स्टॉक रहेगा एक साथ मिक्स करेंगे और सेल करेंगे, फिर एक ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड क्योंकि ये लोग उसमें डिसाइड करें, है ना. तो ऐसी सिचुएशन में मिक्स विद बेलर कंसेंट आता है. एक सिचुएशन आएगी जिसमें विदाउट बेलर्स कंसेंट आएगा, बेलर को पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो गुड्स अलग हो सकते हैं, बट गुड्स कैन बी सेपरेटेड, गुड्स को पहचान सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में तो सेपरेट करने का जो भी उसका कॉस्ट होगा या टाइम होगा बेली को पे करना पड़ेगा, किसको, बेलर को. लेकिन कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो गुड्स को सेपरेट कर ही नहीं पाएगा. सपोज जैसे अपन फूड आइटम्स होता है ना, फूड आइटम्स के पैकेट उसके 10 है, ये 10 लेके आ गया, मिक्स हो गए, कौन बताएगा किसका कौन सा फूड आइटम था. या राइस वगैरह है उसका 5 to 6 वेराइटी एक के पास है, 5 to 6 वेराइटी दूसरे के पास है, और अगर पूरा का पूरा मिक्स हो गया तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, कोई नहीं कर पाएगा उसको सेपरेट. जैसे समझो राइस वगैरह में 50 kg बासमती राइस है सपोर्ट, है ना, अगर उन्होंने मिक्स कर दिया तो इसका जो सेपरेशन का कॉस्ट है वो पे करना पड़ेगा किसको, बेली को, क्योंकि उसने उसके विदाउट कंसेंट के किया है, प्लस सेपरेशन होना इम्पॉसिबल है. कुछ गुड्स होते हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. आ रहे समझ में? Yes, ma'am. आगे देखो टू टू रिटर्न द गुड्स. गुड्स तो रिटर्न करने पड़ेंगे ना बेलर को, विदाउट इसके रिटर्न के काम नहीं चलेगा. टू रिटर्न एनी एक्रीशन, ये मैंने अभी डिस्कस किया था बेलर के पॉइंट में कि उसको राइट है बेलर को कि अगर उसमें से कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको मिले, तो सेम ये बेली का ड्यूटी है कि वो उसको रिटर्न करे. इंक्रीज ऑन समथिंग टू द गुड्स,
इंक्रीज और समथिंग एडेड टू द गुड्स. तो ये था टू रिटर्न एनी एक्रीशन. एक का जो राइट है याद रखना, अगर आप लोगों को एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन हो तो जिसका एक का राइट है वो दूसरे का ड्यूटी बनेगा और एक का ड्यूटी दूसरे का राइट बनेगा. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आपको एग्जाम में पॉइंट्स कम लगते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, तब आप क्या करेंगे? जो ड्यूटीज बेलर के हैं तो वो राइट्स बन जाएंगे किसके? बेली के. और जो राइट्स हैं बेलर के वो ड्यूटीज बन जाएंगे बेली के. आ रहा है समझ में? यस मैम. आगे देखो. मस्ट नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल. इसका क्या मतलब होगा? जो भी टाइटल है वो अपने ऊपर उसने वो नहीं करे, ठीक है? क्योंकि ये टाइटल किसका है? बेलर का. टाइटल मीन्स राइट. राइट यहाँ पे राइट से मतलब उस गुड्स का मालिकाना हक, शब्द हिंदी में अगर बोलना चाहे तो ओरिजिनल ओनर. तो टाइटल की जब भी बात करूं तो समझना ओरिजिनल ओनर की बात हो रही है. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. अब सेम राइट्स ऑफ बेली देखो. जो ड्यूटीज थे ना बेलर के वो पूरे उसके राइट्स बन जाएंगे. अब इसमें देखो. टू क्लेम डैमेजेस टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस. आ रहा है समझ में? सब वही पॉइंट्स हैं बट अब वो रिपीट हो जाएंगे. राइट टू बी इंडेमनिफाइड. बस क्या हो रहा है? पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है. टू रिकवर लॉस. ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल of the owner. फिर देखो. to deliver the goods. to any one of the joint bailers. हाँ ये एक नया point है. to any one of the joint bailers. इसमें क्या होता है? अगर एक से ज्यादा बेलर है मतलब तुम दो लोगों का सामान एक साथ यूज कर रहे हो तब. टू फाइल अ सूट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ. चलो गुड्स बेल्ड. सेवन देखो. यहां तक क्लियर है? अब देखो एक लीन वर्ड यूज कर रही हूँ. राइट टू पर्टिकुलर लीन और एक है राइट टू जनरल लीन. देखो लीन क्या होता है? अगर मैंने क्लास में बताया था पर्टिकुलर, देखो पहले इसको ऐसे समझो पर्टिकुलर और जनरल. पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर के होगा. पर्टिकुलर हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर है, एक पर्टिकुलर पर्सन को. और जनरल में क्या रहता है? ओवरऑल. और लीन क्या होता है? एक राइट हो जाना. याद ध्यान से सुनो लीन का मतलब. कुछ ऐसा गुड्स जब हम किसी के पास गिरवी रख रहे हैं तो हमारे पास है और उसने हमारे पास गिरवी रखा है तो उसका जो पोजिशन है वो अपने पास है. जो उसका टाइटल है गुड्स का वो अभी अपने पास है क्योंकि अभी वो अपने गुड्स को छुड़ा के लेके नहीं गया. तो ऐसी चीज को बोलते हैं लीन. L I E N. लीन. आया समझ में?
बताओ। मैम एक बार और बताइए। देखो बेटा, जब हम अपनी चीज किसी के पास गिरवी रखते हैं, तो जब हम गिरवी रखते हैं तो वो चीज किसकी हो गई, उसको यूज करने का राइट किसका होगा बताओ? सामने वाले का ही होगा ना, क्योंकि हमने उसको गिरवी रखा है, होगा कि नहीं? मैम वही कहलाएगा नीड, गुड्स को रखने का राइट। कैसे आया वो गुड्स? गिरवी को रख के गया हमारे पास। तो जो चीज हमारे पास गिरवी रख के जाते हैं और उसको रखने का अधिकार हमारे ऊपर होता है, तो वो चीज हो जाती है लीन। देखो अब जनरल लीन क्या हो जाएगा? देखो जो पर्टिकुलर लीन क्या होता है, उसमें हम गिरवी रखते हैं, और जो जनरल लीन होगा उसमें ऐसी चीज होती है, जैसे अपन स्पीड पोस्ट करने गए सपोज, तो हमने अपना सामान कहाँ पे दे दिया? पोस्ट ऑफिस। बट ऐसा कुछ है क्या कि वो गिरवी रखा है, हमने बस अपनी सामान किसको दिए? स्पीड पोस्ट वाले ने पोस्ट ऑफिस को दिया, और अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स को अच्छे से वहां पहुंचाएगा। तो जो पर्टिकुलर जनरल लीन होती है वो नॉर्मली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अराइज होती है। जैसे अगर हम टेलर को कोई गुड्स दे रहे हैं बनाने के लिए, तो उसको सिलेगा, तो जब तक वो बन के रेडी होंगे गुड्स, तब तक तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो किसी को दे नहीं सकता है हमारे अलावा। कोई उससे अगर मांगता है, इनकेस वो मना कर सकता है, तो उस समय उस गुड्स को रखने का राइट किसके पास है? उस टेलर के पास है। या फिर अगर हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं बाय एयर और बाय प्लेन, या पानी के रास्ते से कुछ सामान मंगवा रहे हैं, और वो डॉक पे पड़ा है सामान, डॉक समझते हो, जो बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट्स होते हैं, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गुड्स अभी उनकी है, क्योंकि वो गुड्स किसके पास है? उनके पास। तो उनके पास उस गुड्स का क्या है? पोजेशन है। तो ये होगा जनरल और पर्टिकुलर मीन्स, अगर हम सच में कुछ गिरवी रख रहे हैं तो। क्लियर हुआ? अब देखो डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन, इसके छह छह पॉइंट्स आप बनाएंगे और मेरे को सेंड करेंगे आज ही, ठीक है? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूं। एक सेकेंड बेटा।